हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सहकार भारती का छठवां राष्ट्रीय अधिवेशन पुष्कर में 21 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। सहकार भारती द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सहकार भारती की प्रेस वार्ता में आप सब बधाई हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परिचय करवा देता हूँ, मेरा नाम प्रदीप चुबीसा, सहकार भारती प्रदेश महामंत्री, राजस्थान प्रदेश महामंत्री। हमारे बीच में प्रोफेसर उदय जी जोशी सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आपके पास में श्रीमान कमलेश जी गहलोत जोधपुर से ही हैं, आप जोधपुर प्रांत के संगठन प्रमुख हैं। 21 दिसंबर को शाम 5 बजे ध्वजारोहण के साथ अधिवेशन शुरू होगा। अगले दिन 22 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे उद्घाटन सत्र के साथ विधिवत शुभारंभ होगा। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल व IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर वैद्यनाथ संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि समापन के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह में संबोधित करने के लिए प्रोफेसर वैद्यनाथन जो IIM मुंबई IIM बेंगलोर से है वो भी आने वाले हैं, और पूरे भारतवर्ष से लगभग 2500 से अधिक कार्यकर्ता इस अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। संगठनात्मक ढांचा सहकार भारती का किस प्रकार से मजबूत करेंगे और आने वाले 3 सालों में किस प्रकार से कार्य योजना हम बनाएंगे, इसका चिंतन मनन विचार सारा इस अधिवेशन में होगा। उसके अनुसार अगले राष्ट्रीय अधिवेशन तक यानी आने वाले 3 सालों में हम काम करते रहेंगे। इसी को जोड़ के 23 तारीख को राजस्थान प्रदेश के लोग भी इस अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। लगभग 5000 कार्यकर्ता राजस्थान प्रदेश से इस अधिवेशन में रहेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक ओपन सेशन इस अधिवेशन में रहेगा, और हम ये मानते हैं कि राजस्थान में ये सारा अधिवेशन बहुत सुचारू रूप से और अच्छी तरह से होगा, और जिस प्रकार से अपेक्षा करी है उस प्रकार से सारे लोग यहाँ पर आएंगे और पूरे देश का एक लघुत्तम रूप यहाँ के राजस्थान के कार्यकर्ताओं को अनुभव करने के लिए उपलब्ध होगा, और हमारे देश के कार्यकर्ताओं को राजस्थान से कार्यकर्ता से मिलने का एक अवसर मिलेगा। सहकार भारती जोधपुर प्रांत के संगठन प्रमुख कमलेश गहलोत ने बताया कि 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे राजस्थान के सभी सहकारी बंधुओं के लिए खुले अधिवेशन का आयोजन भी होगा, जिसमें 5000 सदस्य भाग लेंगे। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश की सहकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बिक्री व प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध करेंगे। किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए सहकारी कृषि, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग आदि विषयों पर चर्चा होगी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।